वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। नमाज के साथ जब हम नमाज अदा करते हैं तो हाँ उसमें वजू को टूटने पे जमात को छोड़ना लाजिम है और दूसरों की नमाज खराब इससे नहीं होगी? यानी हालत नमाज में अगर वजू टूट जाए तो आप ये पूछ रहे हैं कि जमात छोड़ करके जाना लाजिम है क्या, यही पूछ रहे हैं ना भाई? जी 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 हाँ शेख, यही सवाल है उनका। आप नमाज पढ़ रहे हैं चाहे जमात में हो या तन्हा हो, और अगर दरमियान में आपका वजू टूट जाता है तो जरूरी है कि आप फौरन निकल जाए नमाज से, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यू कर रहे हैं आप तो गुनहगार हैं, आप नमाज से फौरन निकल जाएं, जाकर के वजू बनाए, उसके बाद दोबारा नमाज पढ़ें। मुझे जहां तक लग रहा है उनका एक सवाल ये भी था उसमें कि उससे दूसरे की नमाज तो खराब नहीं होगी ना, क्योंकि पीछे वाला हमारे नमाज पढ़ रहा है। नहीं नहीं, अगर आप इमाम हैं तो पीछे वालों में से कोई आगे बढ़ जाएगा, वो इमामत में जो है आपके कायम मकाम हो जाएगा, वो इमामत पूरी करेगा और आप चले जाएंगे नमाज से निकल करके, अपना वजू बनाकर आके दोबारा नमाज पढ़ेंगे। और अगर आप मामूम हैं, पीछे हैं, मुक्तदी हैं, तब तो कोई मसला ही नहीं है, नमाज दूसरे लोगों की हो रही है, आप निकल जाइए। जी, जज़ाकल्लाह खैर।